Hi guys, welcome back. I'm Dr. Sandeep Tiwari and I welcome to you to online classes. Guys, in last lecture I discussed with you about the introduction of the poem The Soldier and about the introduction of the poet Robert Brooke. In today's video I am going to explain this poem line by line. So let's start. As I told you before that this poem is in the form of sonnet, Italian sonnet, that is divided into two part, octave and sestet. So first of all I am going to explain the octave part. So listen carefully. If I should die, think only this of me, that there is some corner of a foreign land that is forever England. There shall be in that rich earth a richer dust concealed, a dust whom England born, saved, made aware, gave once her flower to love, her ways to roam, a body of England's breathing air, breathing English air, washed by rivers, blessed by sun of home. तो देखते हैं वर्ड मीनिंग्स एक बार नीचे देख लीजिए. यहाँ पे इस लाइन में जो फोर्थ लाइन में रिचर्ड डस्ट यूज़ किया गया है, यहाँ डेड बॉडी ऑफ पोएट की बात की जा रही है. जैसा कि मैंने आपको कल एक्सप्लेनेशन में या लास्ट लेक्चर में मैंने एक्सप्लेनेशन में आपको एक्सप्लेन किया था, सॉरी इंट्रोडक्शन में आपको एक्सप्लेन किया था कि पोएट रॉबर्ट ब्रूक अपने आप को इमेजिन करता है एक वॉर हीरो के रूप में, एक सैनिक के रूप में. उसी इमेजिनेशन को आगे बढ़ाते हुए वो ये इमेजिन करता है कि जब वो युद्ध में दूसरे देश में युद्ध लड़ रहा होता है और वहाँ पे उसकी डेथ हो जाती है तो वो अपनी क्या विश रखता है, वो क्या चाहता है या क्या सोचता है उस समय, उसके बारे में भी एक्सप्लेन करता है, उसके बारे में एक्सप्लेन कर रहा है. तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल बोलता है, इफ आई शुड डाई थिंक ओनली दिस ऑफ मी दैट देयर इज सम कॉर्नर ऑफ अ फॉरेन लैंड, फॉरेन फील्ड दैट इज फॉर एवर इंग्लैंड. यहां तक देखिए पहले एक बार. द पोएट एक्सप्रेसेज हिज विश, वो अपनी विश को एक्सप्रेस करता है एंड सेज, कहता है कि इफ ही डाइज इन वॉर, पहले लाइन बोला ना कि अगर वो वॉर में क्या हो जाता है, इफ ही डाइज इन वॉर ही शुड बी रिमेंबर्ड. थिंक ओनली दिस ऑफ मी मतलब ही शुड बी रिमेंबर्ड, मतलब लोग उसको याद करने चाहिए, लोग उसको याद करें, वो ऐसा विश करता है. आगे वो क्या कहता है, ही सेज इफ ही डाइज इन फार ऑफ लैंड इन वॉर, अगर वो युद्ध में फॉरन लैंड में या फार ऑफ लैंड में दूर कहीं जाकर के मर जाता है तो दैट लैंड विल बिकम अ पार्ट ऑफ इंग्लैंड फॉर एवर, जिस धरती पे वो मरेगा वो धरती हमेशा के लिए क्या हो जाएगी, इंग्लैंड की हो जाएगी. लिखा है ना दैट इज फॉर एवर इंग्लैंड, मतलब वो लैंड जहाँ पे उसकी मृत्यु होगी वॉर में वो हमेशा के लिए किसकी हो जाएगी, इंग्लैंड की हो जाएगी. देयर शैल बी इन दैट रिच अर्थ अ रिचर डस्ट कंसील्ड, फिर कहता है ऐसा क्यों हो जाएगा, बिकॉज इन दैट रिच लैंड, मतलब जहां पे उसकी मृत्यु होती है उसको बोला है रिच लैंड, इन दैट रिच लैंड अ रिचर डस्ट, रिचर डस्ट अपनी डेड बॉडी के लिए कह रहा है कि एक रिचर डस्ट कंसील्ड मतलब बरीड या वहां पे हिडन छुपा दिया जाएगा. कह रहा है कि इफ ही डाइज इन फार ऑफ लैंड इन वॉर दैट लैंड विल बी अ पार्ट ऑफ इंग्लैंड फॉर एवर, वो लैंड हमेशा के लिए किसकी हो जाएगी, इंग्लैंड की हो जाएगी. क्योंकि इन दैट रिच लैंड, क्योंकि उस एक रिच लैंड में, उस एक समृद्ध धरती में अ रिचर डस्ट विल बी बरीड, एक रिचर डस्ट मतलब हिज डेड बॉडी विल बी बरीड, उसकी डेड बॉडी को वहां दफनाया जाएगा और इस वजह से वो धरती क्या हो जाएगी, रिचर हो जाएगी. ही कॉल्स हिज बॉडी डस्ट एंड सेज
दिस डस्ट इज मेड बाई इंग्लैंड. आगे कह रहा है ना कि अ डस्ट होम इंग्लैंड बोर शेप्ड एंड मेड अवेयर, मतलब अपने बॉडी को डस्ट कहता है और कहता है कि इस डस्ट को या इस बॉडी को इंग्लैंड ने बोर किया या बॉर्न गिव बर्थ, उसको जन्म दिया, शेप्ड उसकी बॉडी को शेप किया एंड मेड अवेयर, उनको उसको कॉन्शियसनेस बनाया. तो आगे वो क्या कह रहा है, एंड वंस हर फ्लावर टू लव हर वेज टू रोम ए बॉडी ऑफ इंग्लैंड ब्रीथिंग इंग्लिश एयर वॉश्ड बाई रिवर्स ब्लेस्ड बाई सन्स ऑफ होम. तो देखिए आगे, ही कॉल्स हिज बॉडी डस्ट, वो अपने बॉडी को किस नाम से बुलाता है, डस्ट, एंड सेज, और कहता है दिस डस्ट इज मेड बाई इंग्लैंड, ये डस्ट किसके द्वारा बनाया गया है, इंग्लैंड के द्वारा, क्योंकि इंग्लैंड गेव बर्थ हिम, बिकॉज इंग्लैंड गेव बर्थ हिम, शेप्ड हिम, मेड कॉन्शियस एंड मेड हिम अ ब्लूमिंग प्लांट्स टू फॉल इन लव विद एंड ऑल्सो गेव हिम अ सेंस ऑफ फ्रीडम. यहाँ है ना सेंस ऑफ फ्रीडम, ये है हर वेज टू रोम, मतलब हो गया सेंस ऑफ फ्रीडम, उसको सेंस ऑफ फ्रीडम भी देता है. तो यहाँ तक क्या कहता है पोएट, ही कॉल्स हिज बॉडी ए डस्ट, अपने बॉडी को डस्ट कहता है और बोलता है दिस डस्ट इज मेड बाई या गिव बर्थ बॉर्न गिव बर्थ बाई इंग्लैंड एंड दिस डस्ट या दिस बॉडी इज शेप्ड बाई इंग्लैंड, इट इज मेड कॉन्शियस बाई इंग्लैंड, इट इज मेड ब्लूमिंग प्लांट दैट फॉल इन लव विद एंड ऑल्सो गेव हिम अ सेंस ऑफ फ्रीडम, मतलब इंग्लैंड ने उसकी बॉडी को शेप किया, बनाया, उसको एक प्लांट के रूप में विकसित किया जिस जो वो लव में किसी के पढ़ सके और उसको एक सेंस ऑफ फ्रीडम भी प्रोवाइड करता है, कौन, इंग्लैंड. आगे कहता है कि ए बॉडी ऑफ इंग्लैंड ब्रीथिंग इंग्लिश एयर वॉश्ड बाई रिवर ब्लेस्ड बाई सन ऑफ होम, बोलता है हिज बॉडी बिलोंग्स टू इंग्लैंड हैज ऑलवेज ब्रीथड इन इंग्लिश एयर, उसकी बॉडी जो इंग्लैंड से बिलोंग करती है हमेशा उसने इंग्लिश एयर में क्या किया, ब्रीथड, सांसें ली. इंग्लैंड्स रिवर क्लींस्ड हिम, इंग्लैंड के रिवर ने उसको वॉश किया या क्लीन किया एंड ही वॉज ब्लेस्ड बाई इंग्लिश या इंग्लैंड सन, और सन ऑफ होम मतलब हो गया इंग्लैंड में चमकने वाला सूरज, इंग्लैंड के सन के द्वारा ही उसको ब्लेस किया जाता है, उसको आशीर्वाद दिया जाता है. तो इस पूरे एट लाइंस में, फर्स्ट एट लाइंस में जो ऑक्टो पार्ट है इसका, उसमें वो अपनी इच्छा जाहिर करता है कि जब उसकी मृत्यु हो तो उसको लोग याद करें, और जब उसकी मृत्यु होगी कहाँ, दूसरे लैंड पे, तो वो लैंड क्या हो जाएगा, हमेशा के लिए इंग्लैंड का हो जाएगा, क्योंकि वो इंग्लैंड से बिलोंग करता है और इसकी बॉडी जहाँ दफनाई जाएगी वो धरती और भी रिच हो जाएगी और वो इंग्लैंड की हो जाएगी. फिर वो कहता है कि उसकी बॉडी को इंग्लैंड ने जन्म दिया, उसकी बॉडी को इंग्लैंड ने शेप दिया, इंग्लैंड के द्वारा उसको कॉन्शियसनेस दिया गया और इंग्लैंड ने उसको एक ब्लूमिंग प्लांट्स के रूप में विकसित किया और इंग्लैंड ने ही उसको सेंस ऑफ फ्रीडम प्रोवाइड किया. फिर वो कहता है उसकी बॉडी हमेशा इंग्लैंड के या इंग्लिश एयर में उसने सांसें ली और साथ ही साथ उसके अंदर जो कमियाँ थी या जो बुराइयाँ थी उसको इंग्लिश रिवर ने धोया और वो हमेशा इंग्लैंड के सन के द्वारा ही आशीर्वाद प्राप्त किया. ऐसी वो अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करता है कहाँ, इन द ऑक्टो पार्ट. कल मैंने आपको इसके इंट्रोडक्शन में बताया था कि वो अपना अभिवादन और अप्रिसिएशन करता है इंग्लैंड का, तो देखो इंग्लैंड को कैसे अभिवादन करता है कि इंग्लैंड के द्वारा ही उसको क्या 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 चीज़ें प्रोवाइड की गई हैं. चलिए तो ये ऑक्टो पार्ट है, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा. चलिए अब इसका सेस्टेट पार्ट देखते हैं. तो देखिए इसके सिस्टर्ड पार्ट को, एंड थिंक दिस हार्ट ऑल इविल शेड अवे अ पल्स इन इटर्नल माइंड नो लेस गिव्स समवेयर बैक द थॉट्स ऑफ इंग्लैंड गिवन हर साइट एंड साउंड्स
ड्रीम्स हैप्पी एज हर डे एंड लाफ्टर लर्नड ऑफ फ्रेंड्स एंड जेंटलनेस इन हार्ट एट पीस अंडर एन इंग्लिश हेवन। अब सिस्टेड पार्ट में वो क्या कहता है कि आफ्टर डेथ, डेथ के बाद उसके सॉल कैसे प्योर हो जाती है और वो कहाँ पे पहुँच जाता है उसके बारे में बात करता है। तो कहता है कि दिस हार्ट का मतलब हो गया हिज सोल, शेड अवे मतलब डिसअपियर, और इटर्नल माइंड मतलब इमोर्टेलिटी, और एज हर डे मतलब प्रीवियस टाइम की बात कर रहा है जब वो इंग्लैंड में रह रहा होता है, लर्न मतलब शेयर्ड होता है। तो अब देखिए इसमें नेक्स्ट ही सेज दैट आफ्टर द डेथ, मृत्यु के बाद क्या होगा, ऑल द इविल्स विल डिसअपियर, लिखा ना ऑल इविल शेड अवे, ऑल द इविल्स डिसअपियर, सारे इविल्स क्या हो जाएगी डिसअपियर हो जाएगी, एंड हिज सोल विल बी इमोर्टल, और वो इटर्नल माइंड में चल जाएगा या वो इमोर्टल हो जाएगा, अमर हो जाएगा। एंड देन ही विल रिटर्न टू ब्यूटिफुल थॉट्स दैट इंग्लैंड गिव हिम, लिखा है ना कि समवेयर बैक टू थॉट्स ऑफ इंग्लैंड गिवन, मतलब आफ्टर डेथ व्हेन हिज सोल विल बी इमॉर्टल देन ही विल रिटर्न टू दोज थॉट्स, दोज ब्यूटिफुल थॉट्स दैट वर गिवन बाई इंग्लैंड, ही विल ऑल्सो रिटर्न टू साइट एंड साउंड ऑफ हिज कंट्री इंग्लैंड, वो कह रहा है अपने साइट और साउंड मतलब अपन उन दृश्यों की तरफ, उन आवाज़ों की तरफ, उन ध्वनियों की तरफ वापस लौट जाएगा जो उसको इंग्लैंड ने दिया था। तो ही विल रिटर्न टू साइट एंड साउंड ऑफ हिज कंट्री इंग्लैंड, ही विल ऑल्सो रिटर्न टू ब्यूटिफुल ड्रीम्स दैट वर एज हैप्पी एज इंग्लैंड्स डे टाइम, वो ब्यूटिफुल ड्रीम्स की तरफ भी रिटर्न हो जाएगा जो कि वो कब देखता था जब वो इंग्लैंड में रहता था। ही विल ऑल्सो रिटर्न टू लाफ्टर शेयर्ड विद इंग्लिश फ्रेंड्स, वो उस हंसी खुशी के पास भी लौट जाएगा जो अपने इंग्लिश फ्रेंड्स के साथ या इंग्लैंड में रहने वाले फ्रेंड्स के साथ वो करता था। एंड ही विल रिटर्न इंग्लैंड्स जेंटलनेस विच लिव्स इन इंग्लिश माइंड्स दैट आर एट पीस अंडर द इंग्लिश स्काई, अंडर द इंग्लिश हेवन मतलब इंग्लिश स्काई। तो कहता है ही विल ऑल्सो रिटर्न टू जेंटलनेस ऑफ इंग्लैंड दैट इज इन द सोल या दैट इज इन द हार्ट ऑफ इंग्लिश मैंस हु आर लिविंग अंडर द इंग्लिश स्काई। तो नेक्स्ट सिक्स लाइन्स में वो क्या कहता है कि आफ्टर डेथ उसके साथ क्या क्या होता है, वो क्या सोचता है उसके बारे में बात करता है। बोलता है आफ्टर डेथ उसके आत्मा में जो भी बुराइयां रहेंगी वो धीरे 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 क्या हो जाएंगी, सब डिसअपियर हो जाएंगी और उसकी आत्मा पूरी तरह से प्योर हो जाएगी, और प्योर होने के बाद उसकी आत्मा वापस से उन थॉट्स के तरफ लौट जाएगी, उन विचारों की तरफ लौट जाएगी दैट आर गिवन बाई इंग्लिश या दैट आर गिवन बाई इंग्लैंड, जो कि इंग्लैंड के द्वारा उसको थॉट्स मिले हैं उधर वो लौट जाएगा, और उसकी आत्मा और कहाँ लौट जाएगी, इंग्लैंड के साउंड्स में, इंग्लैंड के साइट्स में, और उन ड्रीम्स की तरफ लौट जाएगी जो कि वो इंग्लैंड में रहते हुए देखा करता था, उन लॉफ्टर की तरफ लौट जाएगी जो कि वो अपने फ्रेंड्स के साथ करता था, उन मजाक की तरफ लौट जाएगी जहाँ वो अपने अपने फ्रेंड्स के साथ वो करता था इंग्लैंड में, वो इंग्लैंड के जेंटलनेस की तरफ भी लौट जाएगा, वो जेंटलनेस जो इंग्लैंड के लोगों के हृदय में है जो कि शांतिपूर्वक इंग्लैंड के स्काई के नीचे या इंग्लैंड के आसमान के नीचे अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं। तो ये थी पोयम छोटी सी, आप लोगों को समझ में आ गई होगी, बहुत सिंपल सी पोयम थी, फर्स्ट रीडिंग में भी समझ में आ जाएगी, बट अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप इसको एक बार वापस से रिकॉल कर लीजिएगा, एक बार वापस से इस वीडियो को देखिएगा, आपको ईजिली क्लियर हो जाएगा। तो आई होप ये जो सोनेट है, जो छोटी सी पोयम है सोल्जर, आपको समझ में आ गई होगी। इसी आशा के साथ इस लेक्चर को यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।